देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी के निर्देश पर टीम ने कुल 4 अपराधियों को पकड़ने में सफल रही। ये लूटपाट गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। गिरफ्तार अपराधी हमीद अंसारी, समसेर मियां, नौशाद अंसारी, रियाजुद्दीन अंसारी पिछले 1.5 महीनों में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास से 2 देसी पिस्टल मैगजीन सहित 1 मैगजीन, 10 राउंड जिंदा कारतूस, लूटा गया मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल के साथ 16,350 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इनके और साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवघर से गुड्डू। 22 अप्रैल को मधुरपुर में व्यवसायी मनोज कुमार मोदी, 8 मई को सारठ थाना क्षेत्र में व्यवसायी उत्तम पोद्दार के दुकान से पालाजोरी में सीएसपी संचालक, चित्रा में लूटपाट के नियत से फायरिंग और बीती रात्रि करौ थाना क्षेत्र में एक गृहस्वामी सिराज अंसारी के घर से लूटपाट। इन 5 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है और इस कांड में संलिप्त फिरोज अंसारी, शमशेर मियां, नौशाद अंसारी और रियाजुद्दीन अंसारी को 2 पिस्टल मैगजीन सहित 1 मैगजीन, 7.65 mm का 10 राउंड गोली, 1 सफ़ेद रंग का टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल, नकद 16,350 और पालाजोरी में सीएसपी से लूटी गई एक वीवो कंपनी की मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इन कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त जो अपराध कर्मी सामने आए हैं उसमें हमीद अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, जाकिर अंसारी, गुल मोहम्मद डोमा, पाचू उर्फ मौलवी याजिम और कुछ अन्य अपराध कर्मियों के नाम सामने आए हैं। यह बात दीगर है कि हामिद अंसारी उर्फ मुखिया इन सब के गैंग का हेड है और अमूमन उसे लूट कांड में 15-20% का कमीशन मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।